है इरडा की। आज के दिन की बात करें तो इरडा में हमको 6% के ऊपर का अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 197.74 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको याद होगा हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कि इरडा में जो न्यूज़ निकल के आ रहे और जो चार्ट पैटर्न इरडा का बनता नज़र आ रहा है, हमने 200 के टारगेट को डिस्कस किया था और इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा ऐसा हमने डिस्कस किए थे। हम देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक ने 200 का जंप दिखाया, हमारे सारे टारगेट जो थे वो इरडा हिट करते हुए नज़र आ रहा है। आज के दिन में हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है। अब अगर गिरावट आती है तो इसका ये जो हाई है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 194-195 का लेवल। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 190 का लेवल और मेजर सपोर्ट रहेगा 184 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने दो दफ़ा सपोर्ट लिया है। और जब सेकंड टाइम सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है तो आपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करके 200 के टारगेट दिखाए। 184 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अब अगर हमको यहाँ से स्टॉक में बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलता, स्टॉक 194-195 के ऊपर ही सस्टेन होता है, बड़ा सेलिंग नहीं आता, 190 तक की भी अगर गिरावट आती है फिर भी स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन 190 का लेवल नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। अगर इसके आसपास स्टॉक ट्रेड होता है और क्लोजिंग दे जाता है इसके आसपास, आज की क्लोजिंग भी हमको इसके आसपास मिल जाती है, तो वैसे कंडीशन में आने वाले ट्रेडिंग डे में 200 का लेवल ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। 200 के लेवल पर नज़रें बनी रहेंगी। इसके ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट 202, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 204 और 210 से लेकर 220 तक के फिर टारगेट इरडा में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इरडा हमको शॉर्ट टर्म में ही 220 तक के टारगेट दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।